on behalf of management, on behalf of our president, I officially acknowledge Sarso Delhi is phenomenal. जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी है हर बुक में कहीं ना कहीं मेंशन है यू नीड टू फाइंड द मेंटर, यू नीड टू फाइंड द पर्सन जिसकी तरह आप बनना चाहते हो और जिसको आपने ग्रो करते हुए देखा, जो आपने अचीव करा वो उन्होंने करा है और मेरे को वो हमेशा सार्थक सर में दिखता था। इस वजह से भी वो सिर्फ एक इंसान है जिनकी वजह से मैंने सीखा, सुना, समझा, उन जैसा इंसान मेरे को लाइफ में। थैंक यू सो वेरी मच सार्थक शर्मा सर, सो वेरी। मेरी इंस्पिरेशन मेरे सब कुछ हो, मेरे आइडल हो। आज तक मैंने बहुत सारी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनी है, देखा है, मिली हूँ, कभी भी दिल से आवाज नहीं आई कि बनना है तो इनके जैसे बनना है। जब आपको मैं तीसरी बार मिली थी आई रियलाइज कि बनना है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके जैसा बनना है। आई रिपीट लाइफ लेसन वन एंड ओनली मिस्टर सार्थक सर से, उनसे। आई डोंट थिंक कि मेरे को वो 13 लाख में भी बाहर कोई सिखाता। वो उस दिन की डेट में आज तक नहीं भूलता, ठीक है, क्योंकि उस दिन मैं एक इंसान की मतलब नजरों में आया था, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जो कोई इंसान उनकी नजरों में आ जाता है ना तो ग्रोथ सक्सेस तो झक मार के आएगी आएगी। उनका नाम सार्थक शर्मा सर था। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे एक डैड मेरे घर पे बैठे हैं, ये बेटी दूसरे इंसान को अपना बाप कहती है तो वो नाना दादा है सार्थक शर्मा। क्या किसी के लिए क्या डाउनलाइन क्या अपलाइन क्या मायने रखती है? आई नो कि सार्थक पिछले एक साल में जो भी ऊपर नीचे हुआ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट वाई आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे को डायरेक्टली सार्थक शर्मा सर के साथ काम करने का एमएचओ और एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर जिसको मैं प्राउडली कह सकता हूँ आई एम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बाय चॉइस, जिनके लिए जिनके वजह से मैंने ये सीखा है मिस्टर सार्थक शर्मा सर। मेरा एम इतना है कि मैं सार्थक सर की लीडरशिप और सार्थक सर की सिखाई नॉलेज में प्रूव कर पाऊं कि उन्होंने एक सही इंसान को वक्त दिया था। थैंक यू सो मच। तो समझ ही नहीं आता मैं अपलाइन के बारे में क्या बोलूं। मैं सिर्फ एक चीज बोल सकती हूँ, एक जिंदगी मुझे मेरी मॉम ने दी है, एक जिंदगी मुझे मेरी अपलाइन ने दी है और मेरी अपलाइन की दी हुई जिंदगी और मेरी अपलाइन की दी हुई अपलाइन से अपनी मॉम की दी हुई जिंदगी को सार्थक करना चाहती हूँ। माय अपलाइन इज माय लाइफ लाइन। बाकी मैं क्विट कर लूंगी। कुछ ऐसा होता है एक दिन मुझे पढ़ना था, मैं एनएसपी को लाती हूँ और मैं चली जाती हूँ। मैं सबवे में कदम रखती हूँ और सामने से सार्थक सर आ रहे होते हैं। सार्थक सर को याद होगा और मेरी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। सार्थक सर कहते हैं आप दीजिए ना डर क्यों गए, और मैं कहती हूँ नहीं सार्थक सर मैं डरी नहीं, मगर मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हो गया, जो जो सार्थक सर ने बोला वो मुझे छू गया। It touched me, it touched the entire being of myself and that was the turning point of my life, Sarthak sir. And मुझे नहीं पता क्या हुआ, जिस टेबल पे मैं बोलने आई थी कि मैं सार्थक अब नहीं करूंगी, मैं छोड़ दूंगी, उस टेबल पे मैं ये प्लेज लेके गई that I will surrender myself to पढ़ना मैम, and वो जो कहे कि मैं पढ़ने को तैयार हूँ, सवाल उस पर कोई नहीं उठाएगा, मैं इस हद तक कर दूंगी एंड मैं वापस।
My name is Aparna and I'm 23 years of age, so and so, from gold designation of this organization. But my best introduction is, it gives me great joy and fortune to say that I am a first-hand exclusive product of Mr. Sarthak Sharma's leadership. Because मैंने अपना पहला 6-7 महीना एक साल एक जेम मेरे को पता नहीं क्या मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता patience इन्होंने मेरे पर पहले 10 महीने तक रखा था he could have left me easily because the kind of मतलब मैंने बहुत परेशान कहने but उसके बावजूद he kept that faith in me I know my upline for last 13 years मैं अपनी upline को पिछले 13 सालों से जानता हूँ आज तक बहुत सारे लोग मिले जो बीच में हंसे जिन्होंने ताली बजाई फिर हंसे फिर ताली बजाई फिर हंसे फिर ताली बजाई जहाँ सौरभ जी ने बात खत्म करी मैं 13 साल से उस दस्तूर की वफादारी और इज्जत करता हूं कि मैं आज बात शुरू करने से पहले एक लाइन उनके लिए जरूर बोलना चाहूंगा हंसने वालों को दोबारा रुलाने आ गए हंसने वालों को दोबारा रुलाने आ गए लगता है इस शहर में कोई ऐसा इंसान वापस आ गए अब भी ये शहर उनके नाम से हिलता है अब भी ये शहर उनके नाम से लिखता है लगता है जंगल में शेर